सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्विस्ट केबल प्रोटेक्टर। ये एक्चुअली आपकी वायर को एक प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड करेंगे जिससे उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी और जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आगे है केबल टाइज। केबल टाइज इससे आप केबल्स को टाई कर सकते हो एक साथ करके। फॉर एग्जांपल आपके ईयरफोन्स हो जो कि काफ़ी बार टेंगल हो जाते हैं, तो टेबल टाइज से आप इसे मैनेज करके रख सकते हो। ये कुछ हुक्स हैं। जो एक साइड से अगर आप इसकी ये वाली लेयर हटाओगे तो ये किसी भी स्मूथ सरफेस पे आराम से चिपक सकते हैं, ग्लास हो, मार्बल हो, वुड हो, मेटल, किसी भी चीज पे। बट हाँ, अनइवन सरफेस पे या किसी रफ सरफेस पे ये नहीं लग सकते। जो हैवी वायर्स होती है वो लटक जाती है, जब वायर की लेंथ काफी लंबी हो जाती है तो वो लटकने से अच्छा आप उस हुक पे एडजस्ट कर सकते हैं जिससे वो काफी सही लगता है। तो कंपनी के हिसाब से ये 1 kg तक होल्ड कर सकता है। चलिए अब इसका एक्चुअली टेस्ट करते हैं ये कितना होल्ड कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा केबल टाई स्ट्रैप। वन साइड इसमें आपको लूप जिप जाएगा, इस लूप में आप वायर डाल दीजिए कुछ इस तरह। इस स्ट्रैप की अपोजिट साइड ऐसी होती है कि एक दूसरे से अच्छे से स्टिक हो जाए, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है और ये आपकी वायर को होल्ड ऑन करके रखेगी। अक्सर जो वायर्स होती हैं वो जॉइंट से टूट जाती हैं, तो ये जॉइंट को थोड़ा और मजबूत करने के लिए है। तो ये एक्चुअली उस जॉइंट एरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है और ये कुछ इस तरह एडजस्ट होएगा। ये डेस्कटॉप के लिए एक केबल मैनेजर है। वन साइड से इसकी लेयर हट जाएगी और ये आपकी डेस्कटॉप टेबल पे पेस्ट हो जाएगा। ये आपकी वायर्स को सेपरेट रखेगा। इनका डायमीटर तो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा मोटी वायर चलेगी। ये भी एक केबल मैनेजर ही है बट ये एजेस एंड कॉर्नर के लिए है। चलिए मैं आपको उसको यूज करके दिखाता हूँ।
वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।